सबसे पहले घर में शूटिंग करना तो बहुत ही आसान है बिकॉज यू आर कंफर्टेबल क्योंकि आप घर पे ही हैं, लेकिन अम्मा के साथ शूट करना इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, और स्पेशली उनके लिए एक मेकओवर करना क्योंकि वो शी इज़ अ डिफिकल्ट कस्टमर टू प्लीज़। और एशियन पेंट्स और पेपर फ्राई दिव्या जो इस फिल्म की इस शो की प्रोड्यूसर हैं हम सब वो जानते थे, सो वी वर स्पेशली नर्वस टू वर्क विथ हर। लेकिन हमने अभी पहला एपिसोड देखा है उनके साथ जो हमने शूट किया एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। पटौदी हमारा घर है और ऑब्वियसली हम बहुत ही इमोशनल हैं पटौदी को लेकर, तो वहाँ पे यू नो पहली बार वॉलपेपर लगाना वॉज अ बिग स्टेप फॉर माई मदर। तो
all those things. I think it was very challenging to work in that space, lekin mujhe bahut maza aaya. Okay, the moment, please continue. Whose idea was it to get the Patani Palace into this picture? Actually, both Divya and me thought it was a good idea, kyunki maine hi pucha Divya se ki agar hum अलग अलग घरों के मेकओवर कर रहे हैं तो क्या हम पटौदी, अभी मुझे मालूम है कि भाई अभी भाई और करीना पटौदी को रेनोवेट कर रहे हैं, एंड आई थॉट दैट इफ़ दे डूइंग दैट इट वुड बी नाइस टू इनकॉर्पोरेट सम ब्यूटीफुल निलाय बाय एशियन पेंट्स वॉलपेपर, इट वुड बी नाइस टू ट्राई आउट दिस कॉन्सेप्ट ऑन अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड सी इफ इट वर्क्स ऑर नॉट, एंड आई टोल्ड दिव्या टू स्पीक टू अम्मा बिकॉज आई एम अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ हर, सो दिव्या कन्विंस्ड अम्मा एंड both of us, I think it was our brainchild. Do you got emotional while shooting, while hosting? I always get emotional. आप मुझे अम्मा अब्बा की मतलब शादी की तस्वीर दिखा दो तो वैसे ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ. पटौदी मैंने पहली बार एक्चुअली लाइफ में एक एरियल शॉट देखा है पटौदी का, विच दे हैव टेकन फॉर दिस शो, तो दैट वाज अ रियली न्यू विजुअल फॉर मी. और फिर पटौदी के बारे में सुनना कि व्हेन इट वाज बिल्ट एंड दैट यू नो माय ग्रैंडफादर बिल्ट इट फॉर माय ग्रैंडमदर जब उनकी शादी हुई थी, क्योंकि ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ भोपाल जो एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली स्टेट है, और पटौदी एक छोटा सा गाँव था, तो टू इम्प्रेस हर एंड her family, he made that house. So all these romantic stories make you emotional. Very soon you'll be having a new member in your family. Yes. So have you renovated the house? Are you working on that? What have you? All of you are very clever. कैसे जोड़ते हो सवालों को? No, but it's a good question in terms of make. It is, yes, it is related absolutely to a makeover show. But I have to say that when it comes to, they are, of course, I'm sure, I'm not aware, but I think they have ideas of what the baby room should look like. And at this point, I'm not involved in the renovation, but I hope to see it soon, and we're all very excited. Would we see it next season also then? Probably not, because I think by the next season, it'll be too late. Jab tak to sab kuch ready ho jayega hoga. So acting early, hosting, to kaun sa part zyada acha lagta hai? मुझे एक्चुअली पहला प्यार तो एक्टिंग से ही है, लेकिन इसमें जो मज़ा आया वो अलग ही था, बिकॉज आप अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सरप्राइज एलिमेंट है इसमें, एक रियलिटी टेलीविजन का जो एक्साइटमेंट है कि आपको मालूम नहीं कि सामने वाला क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है. जैसे कि एक लड़का था अमन, जिसको हमने सरप्राइज़ किया, तो मैं एक्चुअली उनके घर की चाबी हमें मिली 7 बजे सुबह के, मैं उनके घर के अंदर घुसी हूँ, उनका बेडरूम दरवाज़ा खोल के उनको बिस्तर से उठाया है मैंने, जो मैंने लाइफ में किसी के साथ नहीं किया है. और वो उनका जो सरप्राइज़ वाला रिएक्शन था 100% जेन्युइन है, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आया कि मतलब आप सुबह सुबह हमें कैसे उठा सकते हो टेलीविजन क्रू के साथ. सो वी हैड टू काम हिम डाउन देन, बट अमन वॉज वेरी ग्रेशियस अबाउट इट. बट ऑल दोज थिंग्स, आई मीन फिर कैलाश अंकल जो एक और पार्टिसिपेंट थे इस शो पे, वी रीडिड हिज रूम विच इज़ वेरी इमोशनल बिकॉज ही लॉस्ट हिज वाइफ मेनी ईयर्स अगो एंड आफ्टर दैट दे हैव नॉट लिव्ड इन दैट रूम. तो वो बहुत ही इमोशनल स्टोरी था हम सब के लिए, एंड वी वर वेरी ऑनर्ड दैट दे इनवाइटेड अस इनटू देयर हाउस एंड वी गॉट टू डू अप दैट रूम. तो ऐसे बहुत मतलब अलग अलग लोगों के साथ जब मुलाकात होती है ना, तो इट्स नाइस. She said it's easier to please Kareena than it is to please bhai. Is bhai pleased? He is pleased. We are so relieved actually that he is pleased, and he especially said that I love the wallpaper, which was a beautiful blue color, again Sabyasachi designed wallpaper by Nilaya by Asian Paints, and he loved that in particular. It's very very personal to him, the whole space, and both him and Kareena have loved it, which is a big relief. So Kunal ka reaction kaise tha jaise aap hosting kar rahe hain? He said good luck and he is very supportive. और शूटिंग तो पूरी मुंबई में ही थी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा, सिर्फ एक जो हमने पटौदी में किया. सो ही इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. I actually have been living in this house now for 3 years, 3 saal ho gaye hain. Aur Kunal, maine aur amma ne aur hamare jo ek interior designer thi Darshini Shah, sab ne isme haath bataya hai. We've used a lot of my mother's ideas because wo bahut hi matlab unke design styles ideas bahut hi acche hain. I have used Asian paints in my house as well. I do have furniture from Pepper Fry, and I can attest that both of them are very very good people to work with. So it's a joint enterprise. Apart from this, what else is there about it? Well, I'm excited कि सितंबर में एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है. इट्स कॉल्ड October 31st, 1984. ऑफ कोर्स जैसे आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी October 31st पे, तो उस
हादसे के डेढ़ दिन बाद क्या बीतती है एक फैमिली के ऊपर, और एक सरदारनी का रोल निभा रही हूँ मैं. सो ऑब्वियसली एन इमोशनल रोल, बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इट्स एन एज ऑफ द सीट एक्शन थ्रिलर. सो वे एक्साइटेड अबाउट दैट. Okay, about something out of the box, the last one. Okay. There's a person going on in the industry where biopics will be made on R.D. Burman. Mm. And there are also reports Amir Khan to play R.D. Burman. Asha Bhosle will be played by Priyanka Chopra. Your take? There are lots of biopics, some good and some not so good, that are being made. I'm a huge Amir Khan fan, and I think that he, whatever he does, he really invests himself in it. So I think that if he's going to play it, then the production house is very lucky. And a huge fan of his music, looking forward to it. Lots of respect for Priyanka Chopra. I don't know much about the project at all. I'm sure that all of you know more than me. But I think that it's already sounding like it's off to a good start. Thank you so much. It's very hard. It's so. Remove this. Ye nikala aur de. Kisko nikala?